हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एंड एम एजुकेटर क्लास। बच्चों, रिमझिम की जो बुक है क्लास थर्ड की, उसके जो है कई चैप्टर हो चुके हैं, तो आज हम जो नई चैप्टर की बात करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। तो जो चैप्टर नंबर 5 है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है ये पोएम है। तो पहले हम इस पोएम यानी कि इस कविता को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो जो कविता है हमारी वो है हमसे सब कहते, ठीक है। तो इसका नेम है, इस पाठ का नाम है हमसे सब कहते। इसमें एक बच्चा है, तो वो बच्चा जो है क्या सोचता है उसके बारे में जो है बताया गया है। तो पोयम देखिए, कविता क्या है, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो बोल रहा है कि ना तो कोई सूर्य से कहता है कि धूप यहाँ पर क्यों फैला रहे हो, और ना ही कोई चांद से कहता है कि उठा चांदनी को ले जाओ, कि जो सूरज है उस पर भी, उससे भी कोई नहीं कह सकता कि भाई धूप यहाँ पर क्यों इतना फैला रहे हो, क्योंकि वो अपनी मर्जी से निकलता है, अपनी मर्जी से ही छिपता है। और ना ही हम चांद से कह सकते हैं कि भाई चांदनी जो है क्यों फैला रहे हो। अगला आगे बोलता है बच्चा, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। अब हवा तो हर जगह होती है, अगर हम चाहें कि हवा हमारे पास ना आए तब भी हम नहीं रोक सकते। तो बच्चा बोल रहा है कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और जब बरसात होती है, जब वर्षा होती है, तो बादल को हम नहीं कह सकते कि भाई बारिश ना करो, क्योंकि वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। तो यहाँ पर बच्चा जो है यही बात बोल रहा है कि ना कोई सूरज से कह पा रहा है, ना कोई चांद से, ना हवा से कह पा रहा है कि अंदर क्यों आ रही हो, और ना ही वह बादल से कह पा रहा है कोई कि क्यों बरसात कर रहे हो। यहाँ बच्चा जो है कुछ निराश सा दिखाई दे रहा है। फिर आगे बच्चा कहता है, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न जाओ वहाँ भागो आओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। मतलब वो बोल रहा है कि ना तो कोई सूरज से बोल रहा है, ना चांद से, ना हवा से और ना बादल से, तो फिर हमसे भाई क्यों बोलते हैं कि यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, क्योंकि सबके घर में जब बच्चे होते हैं तो बच्चे जब खेलते हैं तो घर वाले बोलते हैं उनसे, उनकी मम्मी बोलती है उनसे कि भाई बाहर खेलो जाकर, और यहाँ पर खिलौने मत फैलाओ। तो बच्चा वही बात बोल रहा है। अगली पंक्तियों में बच्चा कहता है, पापा कहते बाहर खेलो। अब जब बच्चे घर में खेल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं बड़े लोग या पापा लोग बोलते हैं, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चा यहाँ पर यही बोल रहा है कि ना तो सूरज से किस पर किसी का बस चलता है, ना चांद पर, ना हवा पर और ना ही बादल पर, तो फिर हम पर ही क्यों सबका बस चलता है। हम खेलते हैं तो हमसे मना करते हैं कि बाहर खेलो, खिलौने क्यों फैला रहे हो। तो यहाँ पर बच्चे ने जो है अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया है, अपनी फीलिंग्स को बताया है कि सब हमसे ही क्यों कहते हैं। तो चैप्टर का नाम ही यही है, हमसे सब कहते। तो अब इसका याद रखना है कि इसके जो लेखक हैं वो है निरंकार देव सेवक।